दोस्तों आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट, जो कि आप लोगों ने कहा था आप लोग के काफ़ी भारी डिमांड पे जो है आज जो है पहला क्लास 11th का मैथ में सेट लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सेट के बारे में हम लोग को पढ़ना है और थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सेट जो है पहला चैप्टर है क्लास 11th का मैथ के लिए। और उसमें जो है अगर आप सेट पढ़िएगा तो उसके बाद वाला जितने भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। दोस्तों अब जानना हम लोग को ये है कि सेट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सेट में तो बहुत सारे चैप्टर्स होंगे ना, सेट में बहुत सारे सब चैप्टर्स हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है सेट, कि इस मतलब कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, सेट के बारे में पढ़ना, सेट कैसा होता है, सेट को कैसे लिखा जा सकता है, सेट कितने प्रकार के होते हैं, तो सारा चीज़ पढ़ना है। तो कितनी चीज़ों को पढ़ना है वो हम लोग पहले एक खाका तैयार कर लेते हैं कि इतनी चीज़ों को पढ़ना है, फिर हम लोग उस तरीके से पढ़ पाएंगे ताकि ज़्यादा से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ। ठीक है, चलिए तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक है जो कि हमको कवर करना है सेट्स में क्लास 11th के लिए, जो कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाने में आपको मदद करेगा। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपको चैप्टर दिखा दे रहा हूँ, तो एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं। देखिए क्लास 11 का चैप्टर है सेट्स, तो क्या क्या पढ़ना है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर समुच्चय और उनका निरूपण, जो पहला सेट में जो पहला चैप्टर है वो है समुच्चय और उनका निरूपण, यानी कि सेट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला चैप्टर, इसमें पढ़ना है कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय का निरूपण कैसे होता है, सारा चीज़ इसमें पढ़ना है। फिर जो है सेट में जो है बहुत सारा सेट हो सकता है, तो सेट में एक और सेट का नाम है जिसका कहते हैं सेट के प्रकार, जिसको कहते हैं रिक्त समुच्चय, तो एम्प्टी सेट। ठीक है, इसमें इसका मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि उस सेट में कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर है परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फिर है समान समुच्चय, इक्वल सेट पढ़ना है हम लोग को, इक्वल सेट। फिर उप समुच्चय, सबसेट पढ़ना है। घात समुच्चय, पावर सेट पढ़ना है। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। और वेन आरेख, वेन डायग्राम पढ़ना है, यानी कि मतलब कि जो सेट होगा उसको कैसे हम लोग पिक्चर में दर्शा सकते हैं, वो वेन डायग्राम में आपको सिखाया जाएगा। फिर है समुच्चयों पर संक्रियाएं, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट, तो समुच्चय पर कुछ संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव जो होता है वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है, समुच्चयों का पूरक, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ये भी पढ़ना है, पूरक तो पढ़े ही हैं दोस्तों आप लोग। फिर लास्ट है इसका, दो समुच्चयों के सम्मिलन और सार्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, तो ये क्वेश्चन इस पे जो आने वाला है जो सेट पे, वो सारा चीज़ पढ़ना। तो दोस्तों इतना ही पढ़ना है हम लोग को, यही सिलेबस है पढ़ना हम लोग को 11th क्लास में। ठीक है, तो इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आगे का जो भी चीज़ है वो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब तो आपको ये क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है यहाँ पे सेट्स, ठीक है, जिसका हिंदी होता है समुच्चय। सेट मतलब कि समुच्चय। अब समुच्चय के बारे में तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दोस्तों ये सेट आया कहाँ से, क्यों पढ़ना है हमको। तो दोस्तों सेट का जो सबसे पहले ईजाद किया गया था, जो डिस्कवर किया गया था, जो इन्वेंट किया गया था, जो सबसे पहले यूज़ किए थे, वो जर्मन के जो एक साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन कह लीजिए, उनका नाम था जॉर्ज कंटूर। उन्होंने सबसे पहले सेट को यूज़ किया था, उसके बाद से ही सेट का यूज़ होना स्टार्ट हो गया मैथमेटिक्स में, और सेट का यूज़ हुआ, उससे सेट की वजह से फिर हम लोग रिलेशन यानी संबंध और अंत एवं फलन वो पढ़ने में हम लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिली। उसके बाद जो है एक चैप्टर और आया ज्यामिति, उसमें भी जो है सेट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो ज्यामिति में यूज़ है, फिर प्रायिकता में यूज़ है, तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग को यूजेस है। स्टार्ट करते हैं कि हम लोग सेट किसको बोलेंगे, सेट की सबसे पहली परिभाषा क्या होती है, सेट किसे कहेंगे, किसे हम सेट नहीं कहेंगे, सारा चीज़ हमको आपको समझाने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले हमको समझ लेते हैं छोटी सी, बहुत ही छोटे लैंग्वेज में से वाक्य में ये समझ लें कि सेट किसे कहते हैं। तो सेट है वस्तुओं के संग्रह, यानी कि वस्तु का अगर संग्रह हो गया, कोई भी वस्तु है, यानी कि बहुत सारी वस्तु ले लीजिए, उसका अगर संग्रह कर लीजिए यानी कि कलेक्शन कर लीजिए, उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। एक जैसे वस्तु, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर बोलें कि ए सेट ऑफ कार्स, यानी कि बहुत सारे कार्स का एक संग्रह है, कलेक्शन है। ठीक है, अब उस कार्स में जो है आप बाइसाइकिल नहीं डाल दीजिएगा, या उस कार में आप जो है कुछ बस नहीं डालना है, एरोप्लेन नहीं डालना है, कार का अगर सेट बना रहे हैं तो उसमें कार होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, तो बस इतना ही को सेट कहेंगे, जी नहीं, यहाँ पर एक बारीकी भी है। ठीक है, बारीकी समझाते हैं पहले, तो पहले ये समझ लीजिए सेट क्या है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ
ऑब्जेक्ट, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। समुच्चय क्या है, वस्तुओं का संग्रह है। ठीक है, अब चलिए परिभाषा जान लेते हैं, परिभाषा समझ में आएगा। वस्तुओं के, अब संग्रह तो मैंने बोल दिया था, अब देखिए यहाँ पर एक और वर्ड ऐड हो रहा है, क्या है ये, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब होता है इंग्लिश में वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो इसका मतलब क्या होता है सर, तो इसका यही बारीकी है, यहीं पर बारीकी आ जाता है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, पहले बोला था कि सर अगर संग्रह किया तो समुच्चय हो गया, तो अब फिर बोल रहे हैं सुपरिभाषित। पूरा कंप्लीट जो सेट का जो डेफिनेशन है, परिभाषा, वो ये वाला है। ठीक है ना, ये वाला परिभाषा है। तो इसमें बोलता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया भाई, क्या वजह है, क्या बोलने के, क्या बोलना चाह रहा है ये, ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी सेट होगा तब जब जो उस सेट के अंदर जो जो चीज़ है वो वेल डिफाइंड हो, वो सुपरिभाषित हो। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अभी समझाते हैं। ये जो बारीकी है ये समझ में तब आएगा जब मैं एग्जांपल दूंगा आपको। तो एग्जांपल मैं एक एक करके दे देता हूँ आपको। चलिए देखिए दोस्तों, एग्जांपल से बहुत ही क्लियर होने वाला है दोस्तों, एकदम ध्यान यहाँ पर दीजिएगा। देखिए यहीं पर बारीकी समझ में आ जाएगा। पहला जो एग्जांपल है मैंने लिया है भारत की नदियों के नाम। अब जो भारत में गिने चुने कुछ नदी हैं, अब उनके नाम अगर लेते हैं, यानी कि सारी नदी का अगर नाम लेते हैं तो वही होगा ना, तो वो तो एक एक ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया भारत की नदी के नाम में, मान लीजिए कि ले लिया गंगा ले लिया, ठीक है, जमुना ले लिया, ठीक है, फिर सरस्वती ले लिया, ठीक है, ऐसा कुछ ले लिया, तो ऐसे ही चार पांच छह ले लिया, तो ये नाम हो गया गंगा जमुना सरस्वती गाना हो गया, तो कोई बात नहीं। तो इसमें जो है नदी के नाम ले लिया, तो इसमें जो 10-12 जो भी नदी हैं, जो जितने भी नदी हैं भारत में, तो वो जो है, तो वो क्या है कि वो किसी से भी पूछिएगा, सुपरिभाषित का मतलब है कि किसी से भी पूछिएगा भारत की नदी का नाम तो वही बताएगा, उतना ही 10-12 जो भी हैं उनके उतना ही नाम बताने वाला है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU, ठीक है, तो AEIOU बोल रहे हैं अंग्रेजी स्वर्णमाला के स्वर है, वर्णमाला के स्वर है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU ही रहेगा ज़िंदगी भर, वो चेंज होने वाला नहीं है, चाहे आप चिंटू से पूछिए, मिंटू से पूछिए, शीला से पूछिए या किसी और से पूछिए, जिससे भी पूछना है आपको, ये सबका आंसर सेम रहेगा। तो जहाँ पर भी आंसर मेरा सेम हो रहा है, पर्सन टू पर्सन, यानी आदमी से आदमी अगर बढ़ते हैं या चिंटू से मिंटू बढ़ते हैं, अगर इसमें बढ़ने पर जाने पर पूछते हैं तो उसका रुझान चेंज ना हो, सबका एक ही आंसर हो, सारे बंदे का एक ही आंसर हो, जब एक ही आंसर आता है तो इसको कहेंगे कि ये मेरा सेट है, वेल डिफाइंड सेट है, वेल डिफाइंड सेट है। समझ में आ रहा है, जहाँ पर भी चेंज ना हो, जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि भारत की नदी का नाम जैसे बोल दिया, तो मैंने बता दिया कि वो जितने भी नाम हैं उतने ही रहेंगे, चेंज नहीं होने वाले, भारत के होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU ही रहेगा हमेशा। अब अगला देखते हैं कि भारत के 3 बेस्ट क्रिकेटर, अब यहाँ पर कैसे चेंज हो रहा है, तो भारत के 3 बेस्ट क्रिकेटर अगर मैं बोलूँ, मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूँगा भाई सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ठीक है, तीसरा रोहित शर्मा, ये बोल दिया। अब आप उससे इत्तेफाक रखिएगा, आप बोलेगा कि नहीं ऐसा कैसे, बेस्ट क्रिकेटर ऐसा क्यों, आपने जो है इसको अजहरुद्दीन को नहीं चुना, आपने बुमराह को नहीं चुना, आपने हार्दिक पांड्या को नहीं चुना, मेरे उन आपके हिसाब से वो हो रहा है बेस्ट क्रिकेटर। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन, अब चलिए मान लीजिए कि आपका वो हो गया, तीसरा बंदा को पूछा, मान लीजिए मिंटू को पूछा, चिंटू को मैंने पूछा तो ये बताया, मिंटू को पूछा कि चलो भाई आप बताओ 3 बेस्ट क्रिकेटर, तो उनके हिसाब से बोल रहा है कि मैं नहीं, मैं जडेजा को चुनूंगा, मैं धवन को चुनूंगा, ठीक है, मैं कुणाल पांड्या को चुनूंगा, तो कोई भी 3 ले रहा है वो, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो अलग बन रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, तो जब जहाँ पर भी आंसर अलग अलग आए वो सेट मेरा नहीं हो सकता, तो वो समझने का तरीका है। अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए, विश्व के 3 फेमस साइंटिस्ट, अब 3 फेमस साइंटिस्ट का नाम ले रहे हैं, तो मैं जैसे मैंने बोला, मुझसे पूछेगा तो मैं बोला कि चलो भाई न्यूटन ले लो, आर्किमिडीज ले लो, ठीक है, श्रीनिवासन ले लो। अब आप बोलोगे नहीं सर आप तो गैलीलियो को छोड़ दिए, ठीक है, तो मैं आपके हिसाब से गैलीलियो हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वैरी होता चला जा रहा है, यानी पर्सन टू पर्सन, जैसे जैसे चिंटू से मिंटू जा रहे हैं, ठीक है, रिंकू से पिंटू जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, तो जिनसे भी पूछ रहे हैं वो अलग अलग जवाब दे रहा है। तो जहाँ अलग अलग जवाब हो वो सेट मेरा नहीं होगा, जहाँ एक ही जवाब आएगा वो आपका सेट हो जाएगा। तो जैसे बोल दिया कि 9 क्लास में कोई पार्टिकुलर कोई स्कूल ले लेते हैं, कोई स्कूल में 9 क्लास में बॉयज़,
अब जो 9th क्लास में जो बॉयज़ होंगे तो एक ही होंगे ना, एक ही सेट बनेगा, उसमें तो और कुछ नहीं बनने वाला है, कोई किसी का अलग अलग जवाब थोड़ी होगा। ठीक है, अब इसमें बोल देंगे नहीं 5 फेमस बॉयज़, तो किसी के लिए वो होगा, किसी के लिए वो होगा। तो जहाँ फेमस लग जाए, बेस्ट लग जाए, ये सब चीज़ में क्या हो जाएगा, वो सेट मेरा नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सुपरिभाषित नहीं है, पूरी तरह से डिफाइन नहीं है, पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में, पूरी तरह से रुझान नहीं पैदा हो पा रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है, किसी के लिए अलग है, किसी के लिए अलग है। तो ये बेस्ट है और जो फेमस है, ये सब जितने तरीके हैं इसमें, ये क्या कहलाएगा कि वो सेट जो है वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सेट के लिए क्या होना ज़रूरी है, वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है, सुपरिभाषित होना ज़रूरी है, उसके लिए सबका आंसर एक ही होना चाहिए, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर उम्मीद समझ में आएगा तो ज़रूर यस करके लिखिएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों एक सवाल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपका जो है सेट किसको कहते हैं, सेट किसको नहीं कहते हैं। आप खुद जवाब दीजिएगा फटाफट, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि नहीं सेट, सेट है कि नहीं भाई, ये बताना है आपको। कौन चीज़, क्या चीज़, देखिए यहाँ विषम प्राकृत संख्या का सेट एक बनाना है सेट मुझे, जिसमें कि विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या समझते हैं ना, एक से लेकर के अनंत तक आता है, 1, 2, 3, 4, ये प्राकृत संख्या हो गया, नेचुरल नंबर। और विषम आ गया, विषम आ गया मतलब एक से स्टार्ट होगा, 1, 3 यानी बेजोड़ा, 1, 3, 5, 7 ठीक है, 9 ठीक है, उसके बाद 11 इस तरह से जाता है। तो देखिए मुझे एक सेट बनाना है विषम प्राकृत संख्या का सेट, 10 से छोटा होना चाहिए। तो मैं एक सेट लिख रहा हूँ, अभी सेट लिखने का तरीका मैंने नहीं बताया, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो ये एक सेट है ठीक है, उसमें क्या चाहिए हमको, ये चाहिए। तो 10 से छोटा मेरा विषम प्राकृत संख्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 9 के अलावा थोड़ी ना आएगा, अब तो 9 के बाद क्या आता है, 11, वो 10 से बड़ा हो जाता है। तो ये मेरा हो गया विषम प्राकृत संख्या का सेट। अब बताइए ये सेट मेरा, ये मतलब ये सेट है कि नहीं, मतलब सेट है, सेट तो मैंने लिखा है लेकिन वैलिड सेट है कि नहीं, इसको सेट कहेंगे या नहीं कहेंगे, समुच्चय कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको, ये सेट है। कैसे सेट है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर यही होगा, ये पर्सन टू पर्सन, यानी कि आदमी से आदमी को, चिंटू से मिंटू को पता जाएगा, तो वो अलग अलग नहीं बताएगा, इन्हें बता देगा कि हाँ भाई एक के बाद 2 आ जाएगा, आपने 3 क्यों लिखा, ऐसा तो नहीं बोल देगा, 3 के बाद 4 होना चाहिए। भाई विषम प्राकृत संख्या, यहाँ वेल डिफाइंड क्या हुआ है, यहाँ डिफाइन क्या हुआ है कि भाई यही होगा और यही होगा, उसका आंसर भी यही होगा। कितनों यहाँ से चले जाइए पूरी दुनिया में, कहीं भी घूम लीजिए, बोलिए कि विषम संख्या, विषम प्राकृत संख्या का सेट बनाओ, यही बनने वाला है। डैट मीन्स कि आंसर एक है, आंसर एक है, तो इसका मतलब क्या है, ये समुच्चय है, क्लियरली समुच्चय है ये। ठीक है, इसलिए मैंने बड़ा सा टिक लगाया यहाँ पर, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए समुच्चय को जो हम लोग डिनोट करते हैं, अब समझिए अगला चीज़ देखते हैं, समुच्चय को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, तो समझिए एक छोटा सा कहानी सुनिए। अब मान लीजिए कि एक घर है, घर नए नए बनाते हैं कोई भी, सब लोग बनाते हैं नए घर, बनाते हैं बढ़िया घर, जब भी एकदम बढ़िया घर बनाते हैं तो एक नाम, नेम प्लेट होता है वहाँ पर, वहाँ पर लिखा रहता है कि मन्नत, जन्नत, इस तरह से प्रतीक्षा, इस तरह का नाम है ना, यानी वो घर का नाम है, उस घर का नाम है। तो उसका घर जो, वो घर है ना, वो हो गया सेट, उस घर का नाम जो है वो सेट का नाम हो गया। जैसे कि मैंने लिखा सी, सी मैंने एक सेट बनाया था, तो सी जो है ये सेट का नाम है, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वर्णमाला का जो बड़े अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर हैं उससे सेट को डिनोट करते हैं, बात को समझिए, उससे सेट को, जिस तरह से आपको घर को नेम प्लेट, नेम प्लेट जो होता है, नेम होता है वो घर का नाम होता है, उसी तरह से सेट का जो नाम है वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। जैसे कैपिटल लेटर लिख दिया, जैसे ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, एक्स वाई जेड, आपकी जो मर्जी वो लिखे लेकिन कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर में लिख दिया। अब देखिए ये समझ में आ गया कि कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है सर, ठीक है। और ये जो अंदर में है, तो मान लीजिए आप जो अभी कहानी, कहानी के पर दोबारा आते हैं, तो वो जो घर है, अब घर बन गया, अब घर पे नेम प्लेट लग गया कि भाई घर का नाम है मन्नत, मान लीजिए मन्नत है। अब उस मन्नत के अंदर में जो घर है, मन्नत का जो, मन्नत जो घर है उसके अंदर जो है लगभग में मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं, मतलब उसमें जो रह रहे हैं सदस्य, तो मान लीजिए पेरेंट्स होंगे यानी माता पिता होंगे, फिर क्या होंगे भाई बहन होंगे, फिर क्या होंगे भाई एक डॉग, डॉग होगा, चलो
एक डॉग ले लिया। तो कुल मिला के उसमें मेंबर्स होंगे फादर, मदर, दो भाई, एक बहन और एक डॉग, यानी कि छः मेंबर्स हैं। ठीक है, छः मेंबर उसमें आ गए। तो छः मेंबर जो हैं उसी को कहते हैं वो क्या हुए, मेंबर हुए किसके, मन्नत के मेंबर हुए। समझ में आ रहा है आपको, मन्नत के वो मेंबर हुए। उसी तरह से ये जो है 1, 3, 5, 7, 9 ये किसके मेंबर हो गए, सी के। तो इसी को कहते हैं अवयव। तो इसको क्या क्या कहते हैं हम लोग, अवयव। ठीक है, या सदस्य, या और क्या कहेंगे, वस्तुएं। समझ में आ रहा दोस्तों। तो ये सारा चीज़ क्या है, वस्तु, अवयव, सदस्य, वस्तुएं, ये सारा इसका एलिमेंट्स है। इंग्लिश में एलिमेंट कहेंगे, हाँ इंग्लिश में भी लिख देते हैं एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये एलिमेंट्स हो गया। तो ये क्लियर हो गया आपको कि कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट को, और उसके जो अंदर में है ठीक है उसको अवयव कहेंगे, सदस्य कहेंगे, वस्तुएं कहेंगे या एलिमेंट्स कहेंगे। दोस्तों कॉपी करने की चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको PDF दे दूँगा, ठीक है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिर्फ मांगिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में PDF देने के लिए, मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्लियर हो गया। तो अब देखिए, अब एक चीज़ और यहाँ पर सीखना है, नया चीज़। तो सेट को जो है हम लोग अंग्रेजी जो वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला है उसका जो कैपिटल लेटर है उसे डिनोट करते हैं, और उसके अवयव को छोटे छोटे लेटर से डिनोट करते हैं। तो छोटे छोटे लेटर से कैसे डिनोट करेंगे, जैसे कि इसका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बला बला कुछ भी, एक्स वाई जेड, ठीक है, छोटे छोटे लेटर से डिनोट करेंगे। तो जब भी छोटा लेटर आएगा इसका मतलब ये अवयव है, सदस्य, और जब भी बड़ा लेटर आएगा इसका मतलब क्या हो गया कि वो उसको डिनोट कर रहे हैं, वो सेट का नाम है। क्लियर है? चलिए दोस्तों अब देखिए कि नया चीज़ आया है टर्म, ये क्या चीज़ है दोस्तों। ये एक ग्रीक लेटर्स हैं जिसको हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ठीक है, इसका नाम है एप्सिलॉन। इसका जो मतलब है वो है सदस्य है। अब मान लीजिए कि मन्नत, जैसे घर आपको लिया बताया था आपको कि मन्नत घर है, उसके अंदर कुछ सदस्य हैं। अब कुछ जो सदस्य हैं तो दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा, मन्नत में और उस घर के सदस्य में। जैसे कि आप हैं, ठीक है, आप अपने घर में रहते हैं, आपका घर का नाम मन्नत है, तो आपका नाम मान लीजिए सोनू है, तो सोनू मन्नत का सदस्य है। तो ये लिखने का एक तरीका होगा ना, कैसे पता चलेगा, तो ये कैसे पता चलेगा, तो वही चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए एप्सिलॉन का मतलब होता है सदस्य है, ठीक है, इंग्लिश में बिलोंग्स टू। चलिए अब देखते हैं, एक सेट बनाते हैं। चलिए एक सेट बनाए ए, इसके अंदर डाले 1, 2, 3, 4, 5 और एक ए भी डाल दिया, ठीक है, एक सेट बनाया। चलिए ए सेट का नाम है, ये सदस्य है, ठीक है, ये मेरा नाम है, आइए क्या है, सदस्य। चलिए अब इसको लिखना है, मान लीजिए दो जो है ए का सदस्य है कि नहीं, हाँ है, तो कैसे लिखें, ऐसे लिखेंगे टू सदस्य है ए का, तो टू बिलोंग्स टू ए, क्लियर हो रहा है, दो मेरा बिलोंग्स टू ए। उसी तरह से अगर बोलेंगे ए, छोटी वाली ए, तो ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ही वही हुआ कि ए सदस्य है ए का, सेट ए का, ऐसे पढ़ेंगे, दो सदस्य है सेट ए का, ए सदस्य है सेट ए का, यहाँ पर ए नाम है। तो समझ में आ रहा है दोस्तों, यही मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब बोलिएगा सर, अगर वो कोई भी ऐसा मेंबर हो जो कि उस सेट में मौजूद ना हो तो उसको कैसे लिखेंगे। या दोस्तों आपका सवाल एकदम सही है, आपने सही सोचा है कि अगर नहीं मेंबर है, मान लीजिए एक तो दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर बोलना है बी, छोटी वाली बी सदस्य है ए की, क्या ये सही है लिखना, नहीं गलत है, क्योंकि बी हमारा सदस्य है ही नहीं है ए का, नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से काट देंगे। काटने का मतलब क्या हो गया सर, काटने का मतलब हो गया सर कि ये इसका सदस्य नहीं है, तो बी सदस्य नहीं है ए का, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आ रहा दोस्तों, तो इसका मतलब हो गया एप्सिलॉन, नाम है एप्सिलॉन, काम है बिलोंग्स टू का, सदस्य है बताता है ये, और कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको सिखा दिया, इसी तरह से लिखा जाता है, और इसका यही तरीका है लिखने का, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा क्लास, अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा,
और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा थोड़ा हो रहा है, मैं थोड़ा आज शॉर्ट कर रखना चाह रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए। आज मैं आपका फीडबैक ले लूँगा कि क्या क्लास में क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं या क्या चीज़ है, वो चीज़ अब मुझे आप बताइएगा ताकि मैं अगला जो है और बड़ा क्लास लूँ और लंबा क्लास लूँ। ठीक है दोस्तों, आज पहला क्लास था तो थोड़ा छोटा रखिए। पीडीएफ दोस्तों, पीडीएफ आपको मिलेगा दोस्तों, जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। सारा पीडीएफ मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन वो पूरा आपका पूरा एक साथ नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्लास जैसे ख़त्म होगा तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक चैप्टर का अलग अलग पीडीएफ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्लास अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो जल्द आ रहा है दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।